हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बटोट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी हमारी सबसे पहले तैयारी हो रही है पटनी टॉप जाने के लिए। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है पटनी टॉप, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा क्या है क्या सीन, और ब्रेकफास्ट भी वहीं पर करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है पैकिंग का। ये देखो, पट 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 तेज़ी से काम चल रहा है। तो यार फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं पटनी टॉप के लिए, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं। तो है, ये दो रूम्स लिए थे, तो हमें जो पर रूम है 600 का पड़ा था। हम अराउंड 12:30 बजे आए थे, तो सिर्फ सोने के लिए ही लिया था। तो इसका जो होटल का नाम है वो इंदिरा होटल कुछ करके नाम है। ये रोड पे ही पड़ जाता है, मेन रोड पे बटोट पे। मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा। बाकी इतना कुछ है नहीं लग्जरी वगैरह, सिर्फ हमने सोने के लिए चाहिए था। तो अब चलते हैं यार अपनी बाइकों पे। हम आ गए अपनी बाइकों पे, और मार्केट देखो, अभी रात को तो पूरी खाली पड़ी हुई थी। तो हमें सीधा जाना है पटनी टॉप के लिए, और ये अभी हम सामान लगा रहे हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। अभी मैं हो गया निकलने का, बैठ जाते हैं बाइकों पे, मिरर भी सेट कर लेते हैं। बैठ जा भाई, हट जाओ अंकल। तो यार निकलने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। तो यार काफ़ी धूप हो रखी है, 2 मिनट खड़े होते ही पसीना निकल गया पूरा। तो आज जो है, आज का मैं अपना प्लान बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पटनी टॉप। पटनी टॉप घूमते हुए फिर हम बढ़ेंगे दिल्ली की ओर। पटनी टॉप वैसे फेमस स्पॉट है अगर आप आओ तो विंटर्स में, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है। तो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे विंटर्स में आना प्रेफर करते हैं। अभी हम गर्मियों में जा रहे हैं, मतलब आए नहीं है सर्दियों में भी, गर्मियों में जाके देखते हैं कैसा माहौल है वहाँ का। बाकी हरियाली तो बहुत ज़्यादा हो रखी है यार यहाँ पे। और अभी जो टाइम हो रखा है वो है 12 बज गए हैं दिन के। यानी 12:12 तो हमारा दिन और रात का हो जा रहा है। यानी डेली 12 बजे निकलते हैं और रात को 12 बजे ही पहुंचते हैं। अब हाइट पे जाए जा रहे हैं हम ऊपर धीरे धीरे। अब थोड़ी गर्मी जो है कम होती जा रही है, शायद इसलिए भी लग रही होगी कि हम बाइक पे चल रहे हैं ना, हवा चल रही होगी, धूप तो सेम है। तो अभी मेरे को एक बोर्ड आता दिख रहा है। पहले तो यार ये ट्रक वाले ना भाई बहुत गलत चलाते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत गलत चला रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो जी यहाँ पे एक बोर्ड आया है जो कि लिखा हुआ है पटनी टॉप, नाथा टॉप, और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है यार यहाँ पे। तो ना एक रास्ता इधर जा रहा है राइट, और एक लेफ्ट जा रहा है, तो अपने को जाना है ऊपर। तो चढ़ो भाई, चढ़ जाते हैं। दिल्ली को ले जाना है, दिल्ली यहाँ से नहीं जाओ, फिर यहाँ से वापस आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अब यहाँ से सनासर लेक पड़ती है एक, जो कि 18 किलोमीटर है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं पहले। तो बाकी आपको वहाँ जाके दिखाएंगे कैसी लेक है। अरे भाई मोर बना रहा है अपनी बाइक का। सबसे पहले जो है नाथा टॉप पड़ता है, जो कि 12 किलोमीटर है यहाँ से। फिर उसके बाद पड़ता है सनासर लेक, जो कि है अराउंड 18 किलोमीटर्स। तो पहले हम नाथा टॉप जा रहे हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट पड़ता है यहाँ पे इस लोकेशन पे। और हाइट पे भी बढ़े जा रहे हैं हम, देख सकते हैं कि हमारे जो राइट साइड में पीक्स हैं वो अब दिखने लग गए। पहले हम नीचे से आ रखे थे बिल्कुल सिटी, अभी हम बिल्कुल पहाड़ों के बराबर आ चुके हैं। एक जो पहाड़ है भाई बहुत नुकीला सा दिख रहा है यहाँ से ना। बाकी अभी और 10 किलोमीटर जाना है और हाइट पे जाएंगे अभी हम, तो वहाँ से और बढ़िया नज़ारे दिखेंगे हमें। देखना यहाँ से देखना आप लोग, ये देखो सामने। ये पहाड़ देख रहे हो कितना नुकीला है यार जी। ये नाथा टॉप के बाद जब आप सलासर लेक के लिए जाओगे तो रास्ता थोड़ा ख़राब है,
पत्थर वगैरह सब पड़े मिलेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं सनासर लेक और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो यहीं पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वो री लेक सामने, तो हमने अभी जो है पराठे वगैरह खा लिए यहाँ से। और अभी जो ऑफ सीज़न चल रखा है यहाँ पे, तो लोग वगैरह इतने हैं नहीं, तो अभी हम ऊपर हैं लेक के पास तो जा नहीं रहे। ये देखो ऐसी कुछ लेक है, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो अगर आपने करना है। और बाकी मेरे को इतनी कुछ खास लगी नहीं है। हाँ, नत्था टॉप जो है वो अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ पे है ना पूरी हिमालयास की रेंज दिखती है ऊपर से। ये देखो टाइम जो है अभी अराउंड 1 बज गए हैं, तो दिल्ली तो यार बहुत दूर पड़ जाएगा, तो देखते हैं शायद हम चंडीगढ़ तक ही जाएँ। बाकी जो भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा व्लॉग पे। बाकी हमने यहाँ से खाया था और यहाँ से करा था अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस नत्था टॉप की तरफ। हम वहाँ पे रुके नहीं थे, वहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा, वहाँ थोड़ी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई ये है नत्था टॉप जो हम स्किप कर चुके थे। मेरे ख्याल से वो है, देख जो ऊपर जा रहा है। तो भाई ये है नत्था टॉप, यहाँ पे आपको थोड़े कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी हिमालयास की रेंजेस भी दिख रही हैं। ये देखो बिल्कुल हाइट पे आ चुके हैं इससे, मतलब हमारे यहाँ से ऊपर कोई पहाड़ नहीं दिख रहा, देखो इधर। तो अब हम इस रास्ते से ऊपर चढ़े थे, अब हम यहाँ से ले लेंगे राइट दिल्ली के लिए। तो अब हम जो है हाईवे पर लग चुके हैं और अब ये जो रास्ता है सीधा जा रहा है पठानकोट। तो अगली जो डेस्टिनेशन है हमारी वो पठानकोट पड़ेगी। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें पड़ेगी बीच में, पर मेन जैसे कोई फेमस जगह का नाम होता है ना तो वो पठानकोट है। तो अभी जो है थोड़े बहुत पहाड़ चल रहे हैं और थोड़ी देर में जो है पहाड़ आने बंद हो जाएंगे। तो भाई हम घुसने वाले हैं पंजाब में जम्मू कश्मीर से। यार बहुत ही तेज़ धूप थी और ट्रैफिक भी मिला था रास्ते में, तो काफ़ी मुश्किल हुई आज की राइड करनी ना। और हाँ अब हमारे नेटवर्क भी आ गए हैं, लगा लो अभी ही आए हैं 1-2 मिनट पहले। जलंधर से आपको 10-15 किलोमीटर पहले ही आपके नेटवर्क आने स्टार्ट हो जाएंगे, उससे पहले नहीं आते। तो हमें अराउंड अभी हो गए हैं राइड करते हुए 7-9 घंटे हो गए हैं और अभी भी 450 अराउंड किलोमीटर्स जो है दिल्ली रह रहा है और रात होनी भी स्टार्ट हो गई है अब, क्योंकि अभी टाइम जो है वो अराउंड 6:30 कुछ हो गया है। बाकी इतना कुछ दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमें वापस आने में। हाँ एक चीज़ है यार, अगर हम हिमाचल की तरफ से जाते ना वहाँ पे हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती क्योंकि वो ठंडा इलाका है थोड़ा सा ना। यहाँ गर्मी आनी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई और हालत ख़राब हो गई भाई बहुत। तो जी दिल्ली रह गया है 503 जहाँ हमें जाना है। हम पठानकोट पहुँचने वाले हैं, हमें राइड करते हुए ऑलमोस्ट 8-9 घंटे हो गए हैं और हमने अराउंड 250 के आसपास जो है किलोमीटर्स हमने राइड कर लिए है। पीछे यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जलंधर से 10-15 किलोमीटर पहले हमारे नेटवर्क भी आने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी हमें इतना कुछ दिक्कत परेशानी कुछ हुई नहीं आज की राइड में। तो अभी रात के 1:30 बज गए हैं और हम अभी चंडीगढ़ में हैं। 12 घंटे से भी ज़्यादा हमने राइड कर लिए हैं और दिल्ली अभी लगभग 4.5 घंटे और चलानी पड़ेगी।
सुबह ही हो जाएगी, सुबह के 7-8 बज जाएंगे और नींद भी आने लग गई है, पर अब घर जाके ही सोएंगे। तो अभी यार पहले तो ये चंडीगढ़ सिटी में घुस के यार एक तो इतनी बत्तियां आती हैं और फिर लेफ्ट राइट बहुत भसड़ है यार यहाँ पे। तो जी फाइनली अब हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट जो है 18 से 19 घंटे है जो राइड करी है। अभी जो है टाइम अराउंड 7:30 हो गए हैं सुबह के, कल 12 बजे दिन में हम थे जम्मू कश्मीर पटनी टॉप और अभी हम दिल्ली में हैं सुबह 7:30 बजे। तो यार इस सीरीज़ में जो है हमने बहुत कुछ देखा, जैसे एडवेंचर, बढ़िया नज़ारे, बढ़िया रोड, ख़तरनाक रोड, हर एक चीज़, और काफ़ी मज़ा आया और उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो इस सीरीज़ का यहीं पे एंड करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आके यार अपना प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो और आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस और नज़ारे लाते रहेंगे। तो करते हैं इस सीरीज़ का यहीं एंड, मिलते हैं आपको अगली नई सीरीज़ में, नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।